जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से ऑफिस के लिए। सेकेंड सैटरडे एंड संडे, दो दिन की छुट्टी बिताने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन भैया जाना तो पड़ेगा। काम करना है, नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। ला 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 ला। अभी रिसेंटली जो हमने ट्रिप किया मथुरा वृंदावन का, वो हम वैसे तो ट्रेन में गए थे, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा ट्रिप। और ऑफिस कलीग्स के साथ गए थे तो और भी ज़्यादा मजा आए। लेकिन एक चीज़ थी जो मैंने अपने उस व्लॉग में भी कहा था कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ ना वीकेंड में ट्राई ना करें, क्योंकि वीकेंड में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। जो वृंदावन में एक तरह से मेन मंदिर है वहाँ के बिहारी जी का, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। वीकडेज़ में जा सकते हैं, और वीकडेज़ में आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा कम भीड़ मिलेगी जो वीकेंड्स में मिलने वाली है उससे। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सोलो बाइक राइड के बारे में। क्या क्या चीज़ें हैं हमें सोलो बाइक राइड में जाने से पहले ध्यान रखनी चाहिए एज अ राइडर, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बातें करेंगे। अपनी रिसर्च एंड छोटे से एक्सपीरियंस के कारण मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, एंड जो गलतियाँ मैंने की थी अपने राइड्स के दौरान वो गलतियाँ आपसे ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरी देखना, आपको आगे पता लग जाएगा। अभी तक मैं टोटल छोटी बड़ी 500 किलोमीटर के अंदर अंदर की ना लगभग 5 राइड्स कर चुका हूँ, जिनमें से 2 राइड तो मैंने की थी ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने से पहले, और 3 राइड्स हमने की हैं यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने के बाद। तो दोस्तों, उन्हीं के बेसिस पे आपके साथ एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी, आपको हेल्प कर पाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा करते हैं ऑफिस चलते हैं और पहले पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, फिर ऑफिस से घर पहुँचेंगे और आपके साथ तब शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो मुझे पता है और वो मुझसे छूट जाए। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ ऑफिस जाके, ऑफिस में अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो घर जाके उस लिस्ट को पूरी करके फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो को पूरी देखना, तभी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी, एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आएगी। मौसम भी काफ़ी घना घना सा हो गया, गाना याद आ रहा है, काली काली घटा चल रही है, ओ मैं क्या हर कली मुझ पे शक कर रही है, खूबसूरत है तू दिल जवान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। भाई साहब, बारिश हो सकती है, मेरे को लग रहा है गोप्रो को अंदर ही रखना पड़ेगा। ओ भाई, शुरू हो गई बारिश, अंदर ही रख देता हूँ भाई, साइड में रुक के थोड़ा सा साइड में रुकना पड़ेगा मेरे को, गोप्रो को रखते हैं अंदर। वैसे तो टाइम से ही हूँ मैं, वैसे कोई दिक्कत पर। तो चलिए दोस्तों, ऑफिस की अपनी दिहाड़ी पूरी करके मैं आ गया हूँ घर पे, और मैंने अपनी लिस्ट भी बना ली है जैसे कि मैंने आपको बोला था ना। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। तो हम आज बात करने वाले थे सोलो बाइक राइड से रिलेटेड जो टिप्स हम आपको दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो सबसे पहली तो चीज़ है भाई, बाइक सर्विस। आपको अपनी बाइक जो है वो सर्विस करवा लेनी है अपने टूर पे जाने से पहले। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, अगर आपने हफ्ते 10 दिन पहले या रिसेंटली करवाई ना, एक हफ्ता हुआ है या चार पाँच दिन हुए हैं सर्विस करवाए हुए, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं सर्विस करवाने की। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया तो आप सिर्फ सर्विस करवा के ही जाना अपने ट्रिप पर। एंड कुछ नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं वो तो आपको पता ही है, हेलमेट रखना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास राइडर जैकेट है तो आप राइडर जैकेट रख सकते हैं, अपने बूट्स रख सकते हैं, पैंट रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और बाकी राइडर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मल राइडर होते हैं जो अपने सिर्फ राइड करते हैं, उनको राइड करना पसंद होता है, घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें। और दूसरे होते हैं हमारी तरह, जैसे हम मोटो ब्लॉगर भी हैं और राइडर भी हैं, हमें दोनों चीज़ें पसंद हैं। तो उस केस में होता है क्या, आपको कुछ चीज़ें ना कैमरे से रिलेटेड भी रखनी पड़ती है, जैसे आपका गोप्रो हो गया और माइक वगैरह हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा माइक रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड रखना पड़ेगा, और अगर आपके पास एक और सेकेंडरी कैमरा है तो वो भी रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती है। एंड दूसरा है प्लान फॉर लीस्ट फटीक रूट, मतलब आपको ऐसा रूट प्लान करना है, अच्छे से सर्च करके जाना है कि
मतलब उसमें ना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह ना हो, आप क्या कर सकते हैं उस जगह पे जाने से पहले वहाँ की पूरी सारी जो वीडियोस वगैरह है वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है, कहीं भी जाना हो आपको वहाँ की वीडियोस पहले ही मिल जाएगी। तो आपको क्या होता है, आप रिसेंटली वीडियो देख लो, उससे आपको रोड का अंदाज़ा हो जाएगा, रोड कैसी रहती है, किस टाइम पे किस तरीके से खाली रहती है, आप लोग उस तरीके से अपना एक प्लान बना सकते हैं। और तीसरा है फर्स्ट एड किट, एक छोटी सी फर्स्ट एड किट अपने लिए बना के रख सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और फोर्थ है अवॉइड नाइट राइड्स, आपको नाइट राइड्स को अवॉइड करना है जब आप सोलो जा रहे हैं, स्पेशली जब आप सोलो जा रहे हैं। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सोलो जा रहे हैं तो आपको नाइट राइड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है नाइट राइड में, हम अकेले रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें नाइट राइड को ही अवॉइड करना पड़ेगा। एंड दोस्तों पाँचवीं चीज़ है, हमें अपना मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक और जो भी सारी चीज़ें हैं वो चार्ज करके जानी है, फुली चार्ज करके जानी है, ताकि ऑन द वे रास्ते में हमें कोई भी ऐसी परेशानी नहीं हो चार्जिंग से रिलेटेड। एंड छठी चीज़ है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप अपने लिए एक डिहाइड्रेशन बैग ले सकते हैं, मेरे ख्याल से 2000 से 2500 के आसपास आता है। उसमें होता है क्या है कि आप अपने पीठ में उसको बांध लेते हैं और बार बार आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पानी भर लीजिए और यहाँ से एक पाइप आ जाता है, उसको आप आराम से पी सकते हैं, मतलब अपनी राइड के दौरान ही पी सकते हैं पानी। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी ना हाइड्रेट नहीं रहती है, डिहाइड्रेटेड रहती है हमेशा। तो एक लंबी राइड के दौरान ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और साथ ही अपने लिए कुछ छोटा मोटा खाने का भी रख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा बाहर ना खाना पड़े, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रख लें सामान, उससे क्या होगा कि आपके फिर बैग जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो आप छोटा छोटा सामान रख सकते हैं, जैसे चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं, कुछ चिप्स के पैकेट रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, बहुत कम कम। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर ईटिंग, हमें ज़्यादा खाने से बचना है, स्पेशली जब हम अकेले जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं तब चल जाता है, हमारे सामान का कोई भी देखभाल कर सकता है अगर हमें इन केस इमरजेंसी में वॉशरूम वगैरह जाना होता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम कम खाते हैं तो हमें ज़्यादा कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे अपनी राइड के दौरान, ताकि आपकी राइड कंफर्टेबल हो और आपकी बाइक भी आराम कर सके, आप भी आराम कर सके। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को पनिशमेंट कर रहे हैं, आपको अपनी राइड को अपनी जर्नी को अच्छे से फील करते हुए जाना है, तभी आपकी राइड बहुत मस्त बनेगी। एंड दोस्तों कुछ छोटी मोटी चीज़ें और है, जैसे कि आप अपनी बाइक के लिए टायर इन्फ्लेटर रख सकते हैं, हवा भरने वाला पंप, टायर ट्यूब्स रख सकते हैं। अगर आपके जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस नहीं है तो उस केस में आपको ट्यूब्स भी रखनी पड़ेगी। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे फील हुई थी, जो मैंने एक गलती करी थी अपने लिए, वो है क्लच वायर। क्लच वायर मोस्टली मैंने देखा है बाइक की टूट जाती है जब आप लंबा चलते हैं, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का, मेरे हिसाब से एक आध एक्स्ट्रा वायर आपको रख लेनी चाहिए। एंड साथ ही दोस्तों आप अपने साथ एक पंक्चर किट जरूर रखें, वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है जब आप कहीं अकेले में फंस जाए उस केस में। और एक और चीज़, जब भी आप कोई राइड प्लान करें तो किसी अपने रिलेटिव को, अपने वाइफ मतलब जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको ज़रूर बता के जाएँ, घर पे ज़रूर बता के जाएँ, और अपनी लोकेशंस वगैरह उनके साथ शेयर करके रखें, ताकि कोई इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। एंड एक और लास्ट पॉइंट है, आप अपने साथ आईडी प्रूफ्स वगैरह रखें, और अपना जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो ज़रूर मेंशन करके रखें। मेरी वैसे छोटी सी राइड थी, लेकिन मैंने ये गलती करी थी कि मैंने अपना ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं लिखा था। तो आप अपना ब्लड ग्रुप अपने हेलमेट पे, मैंने एक जैकेट देखी थी राइनोक्स की, एक जैकेट है वो यहाँ पर, वहाँ पर एक पैच आता है, वहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप का एक पैच लगा सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। आप अपनी बाइक पे भी लगा सकते हैं, एक छोटा सा स्टिकर लगा सकते हैं, तो वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप कभी लॉन्ग रूट पे जाते हैं, लॉन्ग राइड पे जाते हैं, स्पेशली जब अकेले जाते हैं। तो दोस्तों बस यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी सारी चीज़ें मुझे लगी मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ आज के इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।